अपग्रेड हो गए होते नहीं, लेट नाइट वॉक्स करते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो मारते हैं। एग्जैक्टली, आराम से भाई। अब पता चलेगा, देखते हैं। यहाँ इसे अपनी फोटो भी छपाई है। इसने कहा कि भाई मेरे को चाहिए 60% मेन्यू और 40% मेरी फोटो छपनी चाहिए। डिग्री है मेरे पास, डिग्री है मेरे पास, फोटो छपनी चाहिए बड़ी। मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। What's up everybody, this is Sharik Bakshi and welcome to my YouTube channel guys। तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में यार। तो भाई अभी हमने दो दिन पहले दिल्ली की टिकट्स बुक कर ली है, तो हमें दिल्ली जाना है मुझे और माँ को। थोड़ा काम भी है, थोड़ा चेंज ऑफ स्पेस भी हो जाएगा। जल्दी हमने डिसीजन ले लिया, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, वरना मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया होता। तो अभी अभी प्लान किया है, तो इसीलिए आज हमारी फ़्लाइट है और थोड़ी देर में फ़्लाइट है। बस मैं फ़ाइनल चेक कर रहा हूँ बैग्स वैग्स और यहाँ पे भी सारा बंद बंद रखने के लिए। तो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, मे बी 1 वीक। तो इसीलिए आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है और ये पूरी सीरीज़ जो अब दिल्ली की चलेगी तो बहुत ही मस्त चलेगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार करते हैं अमेजिंग व्लॉग शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो एयरपोर्ट पहुंच गए यार हम और चेक इन वेकिन भी हो गया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में क्या हालत होगी, वहाँ पे तो और ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो अब वेट कर रहे हैं गेट के पास और कुछ कॉफ़ी ले लेता हूँ मैं, सैंडविच और कॉफ़ी। तो बस वेट करते हैं और फिर मिलते हैं दिल्ली में, ठीक है। हे गाइस, तो हमने दिल्ली में लैंड कर लिया है और अभी रास्ते में हम पहले जाएंगे लंच करने के लिए कहीं पे और उसके बाद फिर हम जाएंगे फ्लैट पे। सो आज यहाँ पे बारिश हुई है तो थोड़ा सा मौसम ठीक ही है और मैं यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ठंडा मौसम है थोड़ा सा, है ना। ये तो मैं समझती थी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों, बट लेकिन आज थोड़ा मौसम बारिश की वजह से थोड़ा सा ठीक हो गया है मौसम, सो दैट्स गुड। बट थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गई है बारिश से, सो वो है। कैसी रही फ्लाइट आपकी? सही रही, बहुत अच्छी। और इसका एयर एशिया वालों का तो बहुत अच्छी फ्लाइट है ना, अच्छी सीटें भी अच्छी है ना, थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया और टाइमिंग पे थी फ्लाइट। वो चीज है, बाकी तो बढ़िया रही। सो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, अराउंड 30 मिनट्स शायद। सो पहले लंच करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करके निकला था मैं एंड उसके बाद कुछ खाया नहीं रास्ते में, सिर्फ हमने रास्ते में नहीं इसमें एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे कॉफ़ी पी थी मैंने, खा ली। तो इसीलिए पहले हम सीधा लंच ही करेंगे, लगेज है साथ में बट ठीक है लेते हैं साथ में ही, अब देखते हैं फिर। तो क्योंकि आप पहले अगर घर जाएंगे फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा फिर से लगेज ड्रॉप करने के लिए, तो इसलिए डायरेक्ट चलते हैं पहले रेस्टोरेंट और फिर हम निकलेंगे लंच के बाद ही सीधा फ्लैट पे। हे गाइस, तो यार फ्लैट पे पहुंच गए हम। सो रास्ते में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और बहुत गर्मी थी, भूख भी लगी थी काफ़ी। तो हम सीधा एयरपोर्ट से गए यहाँ पे पास में बीकानेर वाला, वहीं पे गए डायरेक्टली, सामान भी साथ में ही था तो वहाँ पे लंच कर लिया हमने जल्दी जल्दी। तो फिर यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे आके यार इतनी गर्मी थी, मैं फ्रेश भी नहीं हुआ, मैंने सीधा एसी चालू कर लिया और मैं सो गया। तो थोड़ा आराम कर लिया, अब जाके उठाऊँ तो फ्रेश हो गया, शावर वार ले लिया। तो अब जाऊँगा मैं यार बाहर तक थोड़ा,
और ताबान भी आया हुआ है. बेसिकली वो कल आया ताबान, तो उसको कॉलेज के लिए, जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि ताबान को कॉलेज के लिए निकलना है, तो कॉलेज के लिए ही निकला था. बट यहाँ से फिर मेरा दिल्ली का प्लान बन गया, तो वो रुक गया फिर दिल्ली में. उसने बोला फिर हम यहाँ पे मिलेंगे पहले, तो फिर उसके बाद वो जाएगा कॉलेज. तो अब मैं बाहर जाऊँगा तो ताबान से भी मिलूँगा, या शायद वो यहाँ पर आएगा, देखें कुछ फिगर आउट कर लेंगे. तो फिर हम बाहर तक जाएंगे, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा चिल मारेंगे और चाय भी पियेंगे. चाय पीनी है, ठीक है? तो चलो यार चलते हैं. सो गाइस, आ गया फाइनली ताबान यहीं. इसको मैंने बोला यहीं पे आ जा, तो फिर उसके बाद हम निकलते हैं यहीं से, पास में कहीं पे जाएंगे. तो ये रहा भाई. अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया. अभी हम थे कहाँ? दौलतपत्री में. हाँ, और डायरेक्ट सीधा फ्लाइट टू दिल्ली. ये भी पहुँच गए यहाँ कल. आज पहुँचा मैं, क्योंकि मेरे को भी कॉलेज के लिए निकलना था. सही, ऐसी वाला चीज़ बोलना था मेरे को यार. क्या? मैंने तो वैसे बोला था इससे पहले. अच्छा? कि तू कॉलेज के लिए निकला था. हाँ, वैसे क्या ही क्या ही कंटेंट क्रिएटर्स है गाइस, इसमें कुछ नहीं छुपता, सब बोलना पड़ता है. तुझे लेट क्यों आया आते आते? अरे लेट हो गया, मैं घर पे सारा कर रहा था ना, वहाँ भी सेटअप करके रखना था. तो वो सेट कर रहा था सारा. किया? हाँ, सारा सेट हो गया. बस अब मुझे याद नहीं घर से निकलते टाइम में गैस ऑन रख गया शायद. क्या बकवास, कसम से. क्या बोलता है? ये चीज इसमें नहीं आनी थी. ये आएगी भाई, कमेंट सेक्शन में मम्मा आएगी, क्या बोल रहा है तू, तूने ऑन किया गैस? तूने गैस चालू छोड़ा? अरे उसका वो नॉब था असली में, गैस में शायद कुछ हो गया दिक्कत, उसका नॉब. हाँ. मैंने ऑन किया था, वो जला नहीं. हाँ. अब मेरे को याद नहीं मैंने नॉब ऑफ किया था कि नहीं. मतलब दिक्कत क्या हुई थी? अरे वो मैं गैस ऑफ करता तो उसमें पानी गया था उसके, उसमें तो फिर जब पानी जाता फिर ऑन नहीं होता, ब्लॉक हो गया. ब्लॉक हो गया. अब वो मेरे को याद नहीं, फिर मैंने, क्योंकि ऊपर से मैंने सारे नॉब्स ऑन किए थे गैस के. क्रेजी. अब मुझे याद नहीं है कि ये क्या ऑफ किया मैंने कि नहीं. अब इसीलिए जल्दी तो वो भाई अब जो होगा तो वो उधर हो गया होगा. इतने टाइम में तो कुछ नहीं कर सकता. इतने टाइम में जो हो गया होगा वो हो गया होगा, क्योंकि तब से एक डेढ़ घंटा हो गया. क्लिप को कट कर. ये माँ तेरी देख रही होगी वहीं पे. में मेरे को वहीं पहले कमेंट में आएगी वो, वहीं से तेरे को जवाब मिलेगा. वहीं कश्मीर से जवाब मिलेगा डायरेक्ट. इसलिए ये चीज नहीं जानी चाहिए, कट कर. ये तो पूछ है, कट यहाँ पे कुछ नहीं होता, तुझे पता है अनसेंसर्ड होता है सारा. सो भाई अब प्लान ये है कि हम जा रहे हैं असलम टिक्का के पास. ये लग रहा है किसी डॉन के पास जा रहे हैं. असलम टिक्का के पास जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी मीटिंग के साथ हमारी, वो हमें कहना है कि ये देखो जो है सेंट्रल दिल्ली का वो संभालेगा, साउथ दिल्ली हम संभालेंगे, फिर नॉर्थ दिल्ली. ऐसा चल रहा है अभी, बिजनेस मीटिंग होने वाली असलम टिक्का. जबरदस्त. तो असलम टिक्का के पास जा रहे हैं हम, वहाँ पे खाएंगे कबाब मस्त. अभी रात के वक्त वही होता है क्योंकि लेट हो गया बहुत, तो वो रात तक खुला होता है. मौसम का हाल नहीं पता? मौसम का हाल बोला भाई इनने, देखा हालत मेरी खराब हो गई गर्मी से. वो सब कुछ दिख गया, देखो कितना पसीना आ रहा है. वो दिख गया इनको, अब मेरे को उसमें डालना है बाटली में डालना दिखा के भाई इतना पसीना आया. पसीना आ गया. अरे नहीं बहुत है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है यार. ऊपर से कश्मीर के टेम्परेचर से हमें हो गया ना सडन बहुत. भाई क्या बोल रहा है, कहां दौलतपत्री की हवाएं हम खा रहे थे कल. यहां हवा ही नहीं चल रही है. यहां हवा में थप्पड़ पड़ रहे हैं, गर्मी है, हवा ही नहीं. फ्लाइट से उतरा ही मैं भाई, क्या हालत हो गई. रनवे पे क्या था? मैं कह रहा था कि मुझे लग रहा है वो उस दिन जब हम बारबेक्यू बना रहे थे उसके आसपास जो था वही था बराबर. मैं कह रहा हूं यहां मैं भी बारबेक्यू बना दूं, मुंह पे जैसे ब्लोवर पड़ रहा होता है उस टाइम पे, है ना. तो चलते हैं हम, ठीक है? हम निकल रहे हैं यार असलम टिक्का, कबाब खाएंगे मस्त. मस्त कबाब खाने के लिए जा रहे हैं हम, तो देखते हैं और क्या सीन रहेगा, थोड़ी मस्ती भी करेंगे बाहर, ठीक है? चलो चलते हैं, लेट्स गो. सो गाइज हम पहुंच गए हैं असलम टिक्का यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में साकेत में, और यहाँ के हम करने वाले हैं कबाब ट्राई, तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे. सो लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसे होंगे कबाब यहाँ के. डेफिनेटली अभी देखेंगे असलम टिक्का, लेजिट असलम टिक्का है जो हमें मस्जिद वाला ऐसी लगा रखा है, और इसमें जब अब पता चलेगा. देखते हैं, यहाँ से अपनी फ़ोटो भी छपाइए. इसने कहा कि भाई मेरे को चाहिए 60% मेन्यू और 40% मेरी फोटो छपनी चाहिए. डिग्री है मेरे पास. डिग्री है मेरे पास. फोटो छपनी चाहिए बड़ी. मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी. क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास.
यहाँ का माहौल देखो यार, वाइब देखो यहाँ की। कितना टाइम हुआ है अभी? 10:40 भाई, मेरे फोटो को इग्नोर करो ठीक है, स्क्रीनशॉट्स नहीं उठते। रात के 11 बजे अभी, और दिल्ली में देखो क्या रौनक है, क्या हर जगह खुशबू फैली हुई है भाई। कबाब की खुशबू आ रही है, तंदूर की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ऐसी चीज़ें, ऐसा फूड वूड, अगर ऐसा ऐसा फूड मिलता है यहाँ पे अमेजिंग, और रात के वक्त खुशबू इतनी कबाब की और तंदूर की, अमेजिंग है। सो गाइस, अभी बजे यार रात के 11:30 और अभी हम साकेत की सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी ऐसी रौनक है। अरे और क्या है ना, लग ही नहीं रहा 11:30, जबरदस्त, बिल्कुल लग नहीं रहा है 11:30। कश्मीर में इस टाइम पे सारे आधी नींद में होते हैं, आधी नींद में होते हैं, लेट नाइट वॉक्स करते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो मारते हैं। एग्जैक्टली, आराम से आराम से भाई। क्या था ये? दारू की बोतल। सही में। दिल्ली में गाइस यही मिलेगा, दिल्ली में यही सब मिलेगा भाई। जाना कहाँ से है? मैं रैंडमली चल रहा हूँ, जहाँ रास्ता ले चले। ये दुनिया बहुत छोटी है यार, जहाँ जाना है जाओ, जिस रास्ते पे चलना है चलो, जहाँ रास्ता कहीं भी चलो, बस चलते जाओ। हम भी चल रहे हैं सुनसान सड़क पे। हे गाइस, तो हम पहुंच गए यार घर वापस, डेट है, थक गए ना गर्मी से, गर्मी भी हो गई काफ़ी, लेकिन अमेजिंग मज़ा आया यार। नाइट लाइफ दिल्ली की तो भाई पता ही है, दिल्ली की नाइट लाइफ को कोई नहीं पहुंचेगा। अमेजिंग मज़ा आया, अमेजिंग कबाब, डिलीशियस कबाब, असलम ही नाम था ना उसका, असलम टिक्का। मीटिंग सक्सेसफुल रही, बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद हमने चाय भी पी, कड़क, मज़ा आ गया। तो हाँ था ना, अच्छा सही था बहुत। अब यार बहुत टायर्ड हो गए, आज का दिन बहुत ही बड़ा रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और आई होप आप लोगों को भी व्लॉग आज का बहुत बहुत मज़ेदार लगा होगा। तो ज़रूर यार सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? तो बोल यार, टेक केयर, बाय बाय। बेल आइकन ऑन मत कर, मजाक कर रहा हूँ, बेल आइकन पे दबा दो पूरा, चढ़ जाओ बेल आइकन। कोई बोलता था ना ये, वो उसका अड्डा 247 का टीचर, हाँ, लाइक लाइक लाइक, वही करो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो यार, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।